बाज़ात ये होता है कि जिससे हमारा किसी से इख्त हुआ है अकीदे में, घर के झगड़े में किसी जाति उसमें तो हम कमजोर होते हैं मजबूर होते हैं उसको कुछ कह नहीं सकते तो फिर हम बाज़ात अपनी तस्किन कैसे करते हैं ख्वाबों में करते हैं मसलन एक लड़का किसी से शादी करना चाहता है और वो कर नहीं पाता उसको वो रिश्ता मिल नहीं रहा तो वो ख्वाब में देखता है कि उसकी शादी उससे हो गई है उस लड़की से तो बास ख्वाबों की नौयत बस सिर्फ इतनी होती इससे ज्यादा उसकी हकीकत नहीं होती अच्छा बाज़त जैसे किसी से जिद है अदावत है दुश्मनी है आपकी अब आप उसको ख्वाब में बुरा देख रहे हैं उसकी बुराई देख रहे हैं तो ये दरअसल क्या है शैतान का शर है जो आप पे गालिब आ गया है आप उसकी बुराई चाहते हैं वैसे कुछ कर नहीं पाते मजबूर हैं आप तो आप ख्वाब के जरिए वो अपनी तसल्ली कर लेते हैं खाब इंसानी जिंदगी में बाजात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हदीस के मुताबिक खाब तीन तरह के होते हैं नंबर एक अपने ही दिल की बात हदीस नफ्स यानी जो बातें अपने दिल में होती हैं मसलन बोग है हसद है किसी के बारे में कीना है या कोई ख़्वाहिशात हैं किसी से मुलाकात को दिल चाहता है तो ये सारी जो दिल की बातें होती हैं वो रात को ख्वाब में पूरी हो जाती हैं नज़र आ जाती और आज की नफ्सात में भी इसको ऐसे ही इंटरप्रेट किया गया है कि बास ख इंसान की अपनी सोच को रिफ़्लैक्ट कर रहे होते हैं इससे ज्यादा उनकी कोई हकीकत नहीं होती आप ख्वाब में ही सफर शुरू कर देते हैं और सोने में भी एक तरह से जाग रहे होते हैं दूसरी किस्म की ख्वाब शैतान का डरावा शैतान के वसवसे यहां से शैतान की एफिशिएंसी भी मालूम होती है न सिर्फ ये कि वो जागते में आपको मुख्तलिफ बुरे ख्यालात सुझाता है बल्कि सोते वक्त भी नहीं पीछा छोड़ता और खसूस अगर इंसान आयतल कुर्सी वगैरह ना पढ़ कर सोए तो शैतान पास ही मंडलाता रहता है और कोई मौका जाने नहीं देता हती कि ख्वाब में भी इंसान को डराता है अच्छा उस डरने में आप देखें कि मुख्तफ किस्म के डर होते हैं कोई मार रहा है आपको बाज अवतः आप रो रहे होते हैं ख्वाब में बाज अव आपके ऊपर एक बोझ महसूस होता है कि आपका सांस नहीं आ रहा होता ये सब तसरफात शैतानी होते हैं बाजहता बहुत गंदा ख्वाब कोई देखते हैं आप कहते हैं मैंने बड़ा गंदा ख्वाब देखा है तो ये भी दरअसल क्या है शैतान और तीसरी चीज खुदा की बशारत जैसे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब में थी ऐसे ख्वाब की अलामत क्या होती है कि वो कोई अपनी सोच नहीं होती ना कभी सोचा होता है कभी दिल में ख्याल ही नहीं उस बात का गुजरा होता अब एक आम इंसान के दिल में कैसे ये ख्याल आ सकता है कि सूरज मेरे सामने झुका हुआ यह चांद झुका और ग्यारह सितारे दस भी नहीं ग्यारह है तो ये एक मीनिंगफुल खाब है और ये सच्चे ख्वाब बाजात फ्यूचर के बारे में कुछ इत्तला होते हैं बाजुकात इंसान को मिलने वाली कुछ खुशखबरी होते हैं बाजुकात आप देखते हैं ना कि एक चीज आप देखते हैं और वही हो जाती और जब हो जाती तो आप सोचते ओह ये तो मैंने कहीं पहले भी देखी थी फिर सोचते कहाँ देखी थी तो याद आता है तो ख्वाब में देखी थी लेकिन आपको याद नहीं होता जब वो हो जाता है फिर याद आता है किसी भी ख्वाब के सच्चा होने की आप कोई दलील नहीं रखते सच वाजे बात ये नहीं कह सकते कि मैंने जो ख्वाब देखा वो बिल्कुल सच हो जाएगा ये आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सच देखा हो सकता है आपको शैतान ने डराया हो हो सकता है कि आपके अपने दिल की सोचें और ख्याल आ उसमें आ रहे हों और खूस उस वक्त जब दो मतजाद आपको खबरें मिले मसल एक शख्स आपके पास आता है वो कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा ख्वाब देखा दूसरा आता है कहता है कि मैंने आपको अच्छे हाल में नहीं देखा अब ये फर्क किस चीज का हो गया उसके अपने गुमान का फर्क है एक आपके बारे में गुमान अच्छा रखता है वो आपको अच्छा देखना चाहता है लिहाजा वो आपको अच्छा देख रहा है और दूसरा आप से हसद रखता है और वो आपको हर कीमत पे खत्म होते देखना चाहता है वो वैसे तो मार नहीं सकता आपको लिहाजा ख्वाब में मार लेता है ख्वाब में आपका हाल बुरा देख लेता है तो वो ख्वाब दरअसल क्या होता है उसकी अपने नफ्स की बात होती है हर आलिम खाब की ताबीर नहीं जानता और हर शख्स उसको सही तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकता इसलिए हर एक को मत सुनाने बैठ जाए सबसे बेहतरीन ताबीर वही होती है जो इंसान खुद अपने ख्वाब की कर सकता है इंसान बलिलसान अला बसीरा कि इंसान अपने आप से खुद खूब आगा है कि ये ख्वाब शैतान का वसवसा था या ये ख़्वाब मेरे दिल की मर्जी कोई पूरी नजर आती है इसमें यह बिल्कुल ही कोई अनयूजअल चीज़ है अमूमन सच्चा ख़्वाब की अलामत क्या होती है कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ देखना जो आपके वहमो गुमान में ही ना हो और जो बातें वहमो गुमान में है वो फिर गुमान आपका वहाँ हकीकत बन जाएगा इसमें जो बेहतरीन किताब है वो इब्न सीरीन की है इब्न सीरीन की ताबीर अगर कोई ख्वाब बुरा हो तो क्या उससे भी हम मुस्तबिल के किसी ख़तरे को भांप सकते हैं जी हाँ कोई वार्निंग हो सकती है उस ख्वाब में वो आप ख़ुद ही बेहतर जानते हैं अच्छा एक और चीज़ बास ख्वाब बीमारी होते हैं एक ही ख्वाब बार बार आ रहा है ये नफसयाती बीमारी या जहनी बीमारी की अलामत होते हैं इसलिए उसका इलाज होना चाहिए